कहेंगे तो वही। अरे क्या बात करते हो यार, केशव शपथ याद कर रहे हैं? अरे नहीं यार, योगी अभी हटाए नहीं जाएंगे। योगी को हटा देंगे तो बीजेपी के हिंदुत्व का क्या होगा? नहीं लेकिन केशव मौर्य 5 साल से खून के घूंट पीकर डिप्टी सीएम के पद पर रबड़ के बबुआ बने बैठे हैं। नहीं देखो, वो दिल्ली वाले शर्मा जी दिनेश शर्मा की जगह उप मुख्यमंत्री पक्का बन जाएंगे। अरे यार हम तो कह रहे हैं कि आखिरी समय पर मुख्यमंत्री क्यों ही बदलना, योगी जी अच्छा तो कर रहे हैं। बात योगी जी के अच्छा करने की नहीं है, बात केशव जी को संतुष्ट करने की है। केशव को साइड करके बीजेपी पिछड़ों को क्या मुंह दिखाएगी? उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि दूध का पैकेट लेने निकला आदमी दूध लेकर भले ना लौटे, लेकिन ये अफवाहें लेकर गारंटीड लौट रहा है। जब से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष यूपी के दौरे पर आए हैं, आदमी टीवी के नीचे चलने वाली पट्टी में एक ही खबर खोज रहा है कि बदल तो नहीं गए। चैनल वाले भी ऐसी खबरें चला रहे हैं, निकले अरे बीजेपी दफ्तर से फलाने निकले, गाड़ी में बैठे और चले गए, सीधा 5 कालिदास मार्ग के लिए निकले, अरे ढिमकाने भी निकले वो भी चले गए, संघ के भारती भवन में चले गए, 5 घंटे से बैठक चल रही है, 12 मंत्रियों से संगठन मंत्री बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि विधायक सरकार से क्यों नाराज हैं, हम 2022 में कैसे जीत सकते हैं, पंचायत चुनाव में बीजेपी क्यों हार गई, कोरोना में जो बदनामी हुई उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन कौन अधिकारी हैं जो आपके काम नहीं करते, नाम बताइए जरा। मंत्री बेचारे सोच रहे होंगे कि अगर यही बात 4 साल पहले पूछ लिए होते तो अब दिन दिन भर मीटिंग नहीं खेलना पड़ता ना। दोस्तों उत्तर प्रदेश का न्यूज चैनल एबीपी गंगा कहता है कि मंत्रियों से मुलाकात में कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मुद्दा भी उठा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर भी मंत्रियों से चर्चा हुई और नाराजगी कैसे दूर हो सकती है इस पर राय भी मांगी गई। यूपी में विधानसभा का चुनाव करीब है, ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। पंचायत चुनाव में हारने के बाद बीजेपी के बड़े नेता यूपी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, ऐसी ही बैठकें कोरोना से लड़ने के लिए भी की गई होती, ऐसी बैठकें बंगाल की रैलियां रोकने के लिए भी की गई होती, ऐसी बैठकें तब भी की गई होती जब कोरोना से उत्तर प्रदेश के भीतर अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ रहे थे। देखिए केवल मुख्यमंत्री ही मैदान में थे, बाकी पूरी बीजेपी की फौज तो छिपी हुई थी, तब कितना अच्छा होता ना। क्या यूपी ने देखा नहीं है कि कौन कौन बीजेपी नेता कोरोना में योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था? योगी आदित्यनाथ कोरोना को समय पर कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल साबित हुए, लेकिन उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं थी। वो जब से कोरोना से ठीक हुए तब से दौरों पर दौरे कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच है और ये मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, और उनके दौरों का भी कोई मतलब नहीं निकला ये भी बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मुख्यमंत्री बदले या ना बदले, मुझे नहीं लगता कि यूपी में मुख्यमंत्री बदलने से कुछ हो जाएगा। अगर यूपी का मुख्यमंत्री बदल भी गया तो नए मुख्यमंत्री 6 महीने में कौन सा तीर मार लेंगे, ये कौन सा चमत्कार कर देंगे? सब जनता को बहलाने में लगे हैं कि अच्छा वो वाले जब मुख्यमंत्री थे तो आपके घर का आदमी मर गया था, अब लो ये बिल्कुल फ्रेश वाले मुख्यमंत्री हैं, ये मरने नहीं देते। वो वाले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आपको ऑक्सीजन कम पड़ गई थी क्या? ये लो, ये वाले मुख्यमंत्री का पवन देव से डायरेक्ट कनेक्शन है, तब फलाने मुख्यमंत्री थे, ले लो अब हमने उनको हटा दिया, ये लो अब नया वाला ले लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, जो लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं उनको पकाने दीजिए। मुख्यमंत्री नया पुराना होने से आपके घर का बुझा चिराग, आपकी मां का सिंदूर वापस नहीं आ जाएगा। चलती हूँ, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। सच्ची आवाज़ को और शक्तिशाली बनाइए, ट्विटर पर मुझे @PragyaLive यानी PRAGYALIVE नाम से खोजिए और फॉलो कीजिए। आप फॉलो करेंगे तभी मैं आपकी आवाज़ और मजबूती से उठा पाऊंगी। जय हिंद।